72 पॉइंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, भारतीय खनिज से रिलेटेड महत्वपूर्ण श्रृंखला पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है। फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर है, यहां तेल शोधक होगा, तेल शोधक कारखाना नहीं। पहला विकल्प है कोयली। कोयली यदि देखा जाए गुजरात में स्थित है। दूसरा नून माटी, ये असम में स्थित है। तीसरा हटिया, यदि देखा जाए झारखंड में ये स्थित है। और चौथा बरौनी, ये बिहार में स्थित है। तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो हटिया झारखंड, ये तेल शोधक कारखाना नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोविजन 2025 संबंधित है। विकल्प है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, दूसरा यूरो फर्स्ट तथा यूरो सेकेंड वाहन से, तीसरा ग्रीन हाउस प्रभाव से, चौथा उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए भारत में जो ऑयल अन्वेषण का काम है वो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड या ONGC के द्वारा किया जाता है, और हाइड्रोविजन 2025 जो कार्यक्रम है ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से रिलेटेड है। तो इसका पहला विकल्प ठीक होगा, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा की कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और आपका ONGC के द्वारा तेल अन्वेषण का कार्य भारत में किया जाता है। तो विकल्पों के आधार पर देखें, ऑयल इंडिया लिमिटेड दे रखा है, तो इसका तीसरा विकल्प ठीक होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है। तो फ्रेंड्स, HBJ का यदि फुल फॉर्म देखें, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन इसे कहते हैं। और यदि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की जा रही है, और यह पाइपलाइन जो है ये दक्षिणी बेसिन से स्टार्ट की गई है, और यह क्षेत्र जो है बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है। विकल्प है आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से, या चौथा तमिलनाडु तट से। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए तो दक्षिणी बेसिन से जो है आपका जो बॉम्बे हाई का क्षेत्र लगता है, अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहां से किया जाता है, तो तीसरा विकल्प होगा बॉम्बे हाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन यदि देखा जाए तो ऐसे ईंधन जो करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर या पेड़ पौधे के अवशेषों से ईंधन का रूप ले लेते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया आपका, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। और दूसरा यदि लकड़ी देखा जाए तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। और विकल्प दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। फ्रेंड्स, 2013 और 14 के आंकड़ों को यदि हम देखें तो एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक जो राज्य है
वो है आंध्र प्रदेश, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में होता। और प्रश्न में उत्पादक राज्य के विषय में पूछा गया है, अतः किसी भी विकल्प का यहाँ यदि देखा जाए तो चयन करना उचित नहीं होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप कायांत्रित चट्टानों से संबद्ध करेंगे? ऑप्शन है तांबा, गार्नेट या तांबड़ा, मैग्नीज, पाइराइट। तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए तो अवसादी या आपका आग्नेय चट्टानों से ही कायांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है, और गार्नेट या तांबड़ा यदि देखा जाए तो गार्नेट चट्टानों से संबंधित है। तो इसका दूसरा विकल्प होगा गार्नेट या तांबड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वार्टरजाइट कायांत्रित होता है? विकल्प है चूना पत्थर से, ऑप्सीडियन से, बलुआ पत्थर से, सैल से। तो फ्रेंड्स मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से, कायांत्रित चट्टान क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है, जबकि चूना पत्थर से संगमरमर एवं सैल के परिवर्तन से देखा जाए तो स्लेट रूपांतरित सैल का निर्माण होता है। तो तीसरा विकल्प ठीक होगा, बलुआ पत्थर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स यदि मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादक राज्यों को देखें तो नंबर एक पे मध्य प्रदेश का स्थान आता है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, और उड़ीसा तीसरा स्थान रखता है, जबकि कर्नाटक चौथा स्थान रखता है। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन है टिन, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। तो वर्तमान समय के आंकड़ों को यदि रिफ्रेंस देखें तो ग्रेफाइट के भंडार तथा उत्पादन में यदि देखा जाए तो भारत का पांचवा और दूसरा स्थान आता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। तो चौथा विकल्प ठीक होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं? विकल्प है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए पहला दूसरा विकल्प ही जैसे हेमेटाइट बॉक्साइट दिया हुआ है, धात्विक खनिज कहलाते हैं, जबकि तीसरा जिप्सम ये अधात्विक खनिज कहलाता है। जिसके साथ साथ यदि और देखें हम तो जैसे मैग्नेसाइट या काओलिन या फास्फोराइट ये भी इसके अच्छे एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। तो इसका तीसरा विकल्प ठीक होगा, जिप्सम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? विकल्प है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो जिप्सम का प्रयोग सीमेंट निर्माण में यदि किया जाता है आपको मालूम होगा, और इसका सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो है राजस्थान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश के ललितपुर या महोबा एवं बांदा में देखा जाए तो ग्रेनाइट बहुतायत में पाया जाता है, और ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जो होता है वो ललितपुर में होता है। तो इसका पहला विकल्प ठीक होगा, ललितपुर। ललितपुर यूरेनियम खोज के लिए भी यदि देखा जाए तो इसके स्रोत पाए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आज चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खाने कहाँ पर हैं? विकल्प है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए तो हीरे उत्खनन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यदि राज्य है तो वो है एमपी, और यहाँ पन्ना तथा सतना जिले में यदि देखा जाए तो हीरे की महत्वपूर्ण खाने हैं। तो फ्रेंड्स, पन्ना और पन्ना के साथ साथ सतना जिला याद रखिएगा जहाँ हीरे की प्रमुख खाने हैं। तो मध्य प्रदेश उचित आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? विकल्प हैं बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट। तो फ्रेंड्स, केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट खनिज पाया जाता है, तो इसका चौथा विकल्प ठीक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल नमक उत्पादन का राजस्थान में कितना उत्पादन होता है? विकल्प हैं 8.7, 19.2%, 31.3% और 41.7%। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए तो राजस्थान में सांभर झील बहुत फेमस है, और राजस्थान का यदि उत्पादन देखा जाए तो 8.7% का है, तो पहला विकल्प ठीक होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुरामडीह किस खनिज का खनन होता है? ऑप्शन है कायनाइट, एजबेस्टस, अभ्रक, यूरेनियम। तो फ्रेंड्स, तुरामडीह यदि देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूमि झारखंड में स्थित है, और यहाँ यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है, तो इसका चौथा विकल्प ठीक होगा, यूरेनियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? फ्रेंड्स, छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है, जिसका कारण वहाँ बहुतायत खनिज संपदा है। तो विकल्पों के आधार पर देखें, तीसरा विकल्प खनिज दे रखा है, इसका आंसर होगा खनिज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? डोलोमाइट, लौह अयस्क, टिन, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट, लौह अयस्क, टिन सभी प्रकार के प्राकृतिक खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे आपका बस्तर हो गया, कोरबा हो गया, रायगुड़ हो गया, या दांतेवाड़ा हो गया, लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है, या टिन के लिए बस्तर या दांतेवाड़ा बहुत फेमस है, तो इसका चौथा विकल्प ठीक होगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये आज का अपना लास्ट प्रश्न था। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।